करके जिन पुण्य को प्राप्त करते थे उन पुण्य को त्रेता युग में लोग 10,000 वर्षों तक जग जग व्याधि करके प्राप्त करते थे, उन पुण्य को द्वापर युग में लोग 1,000 वर्ष तक जिंदा रह करके प्राप्त करते थे, और उन्हीं पुण्य को कलयुग में अर्चावतार मूर्ति के दर्शन करके हम प्राप्त करते हैं। इसलिए धन्य है कलयुग। कलयुग के समान धन्यवाद का कोई युग नहीं है। इसलिए आज हम लोग आरक्षण के लिए मारामारी कर रहे हैं। जानते थे व्यास जी कि कलयुग में धर्म में भी लोग आरक्षण मांगेंगे? ये आरक्षण है जी, कलयुग में लोग धर्म में भी आरक्षण मांगेंगे। आरक्षण माने क्या होता है जी? हमारी औकात नहीं हो, हमारी योग्यता नहीं हो, हमारी क्षमता नहीं हो, हमारी एक्सपीरियंस अपने आप नहीं हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस अनुभव वाला जो है, योग्यता वाला जो है, उसके अनुसार हमारी स्थिति होनी चाहिए। यही तो आरक्षण है, यही तो आरक्षण है। जो सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष तक लोग जीते थे, सतयुग में लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी और 21 हाथ लंबे होते थे सतयुग में लोग। समझिए, सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे, 21 हाथ लंबे होते थे और प्राण वायु जब तक उनके शरीर में रहता तब तक के संसार में जीवित रहते थे। भोजन पर ही नहीं होता था, जब तक हड्डियां रहती थी तब तक वो जीवित हो ही जाते थे। इतना ही नहीं, ऐसे सतयुग में जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इत्यादि योग समाधि द्वारा अपना उद्धार करते थे। त्रेता युग में लोगों की आयु 10,000 वर्ष बताई गई, 10,000 वर्ष बताई गई। भगवान श्री राम इस धराधाम पर 11,000 वर्ष रहे हैं। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी च, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 13,000 वर्ष रहे हैं। आप पूछ सकते हैं महाराज जी ये भागवत में 13,000 वर्ष और वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष, ये कैसे हो गए? ये विषमता कैसे हो गई? अंतर कौन सांच है? कभी ऐसा होता है, कभी आपने देवी भागवत पढ़ा है, स्कंद पुराण पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ा, वही राम की कथा, वही कृष्ण कथा, वही विष्णु कथा, वही शंकर कथा, वही ब्रह्मा कथा, अलग अलग मिलता है तो दिग्भ्रमित लोग हो जाते हैं कि आखिर यथार्थ कौन है, कौन यथार्थ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि व्यास जी महा भगवान एक बार तो अवतार लेते नहीं हैं, भगवान के हम और आप बार बार इस संसार में आते जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने आप आते ही रहते हैं। हर मनवंतर में, हर मनु के शासन काल में, हर युग में आते ही रहते हैं। तो व्यास जी महाराज भगवान जिस समय 11,000 वर्ष रह करके इस संसार में अपने आप में रह करके कृपा किए, तो हमारे वाल्मीकि जी महाराज को 11,000 वर्ष वाला अपने आप चरित्र अच्छा लगा, उन्होंने वो लिख दिया। और हमारे व्यास जी महाराज को भगवान जब किसी काल में 13,000 वर्ष आए तो 13,000 वर्ष वाला रहकर जो लीला किए उसको उन्होंने लिख दिया, यही कल्पांतर है। इसे कभी भी किसी ग्रंथों में ऐसी कोई आप इतिहास पढ़ते हो कि कहीं यहाँ दूसरा लिखा है, वहाँ दूसरा लिखा है, तो किसी को झूठ और किसी को सांच मत समझिए, एक कल्पांतर है। कल्पांतर का मतलब क्या होता है? कल्पांतर का मतलब होता है कि कल्प का अंतर दे करके, जैसे मैं भी यहाँ पर गांव के लोगों को पता नहीं था लेकिन मैं भी आया था, दो चार लोगों से मुलाकात हुई थी, तो मैं एक दो घंटा के लिए आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले मैं आया था अपने आप में। तो वो भी जो कहा कि नहीं महात्मा जी उनको मैंने देखा था, वो भी ठीक कहा। अभी कोई कहे नहीं महात्मा जी 12 घंटा के रुके थे, वो भी ठीक है। यही कल्पांतर है, ऐसा जानकर के संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धराधाम पर रहे। त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष उनकी आयु हुआ करती थी, पूजा पाठ तपस्या साधना करने से आयु और बढ़ जाती थी। इतना ही नहीं, त्रेता युग में लोग 14 हाथ लोग लंबे होते थे, 14 हाथ लंबे लोग होते थे समझिए, और त्रेता युग में जग जग व्याधि द्वारा अपना कल्याण और उद्धार को करते थे। द्वापर युग में लोग की आयु 1,000 वर्ष बताई गई और 1,000 वर्ष की आयु बताई गई। द्वापर युग में लोग 7 हाथ लंबा होते थे, लोग अपने अपने हाथ से 7 हाथ लंबा, और द्वापर युग में बताया गया है लोग पूजा पाठ करके अपना कल्याण मंगल करते थे। और कलयुग में आयु 100 वर्ष बताई गई थी, अभी नहीं है ये जान लीजिएगा, 100 वर्ष बताई गई थी। संध्या वंदन हम लोग करते हैं तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, पशेम शरद असतम इत्यादि हम लोग कहते रहते हैं, इसलिए कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। अब उस 100 वर्ष आयु में हम कहाँ कोई जीता है जी, 100 वर्ष कोई जीता है?
सौ वर्ष जीना चाहिए, लेकिन सौ वर्ष को जीता है, सौ वर्ष में पचास वर्ष चला जाता है सोने में, पच्चीस वर्ष चल जाता है चाइल्डहुड बचपना में खाने कूदने पढ़ने लिखने में, आप पच्चीस वर्ष चला जाता है श्रीमती जी के इशारा पर सिट डाउन जी हाँ अभी बैठ गया, स्टैंड अप खड़ा हो जाओ अभी हो गया, पिताजी को अलग कर देना है अभी कर देंगे, देखेंगे ये प्रैक्टिकल बात है अपने आप में। इसीलिए किसी के पास कहाँ आयु है जी, सौ वर्ष किसी के पास बचा, सौ वर्ष में पचास वर्ष सोने में, पच्चीस वर्ष पढ़ने लिखने खाने कूदने में लग गया, आप पच्चीस वर्ष अपने आप पत्नी के इशारे पर ऑफ और ऑन होने में लग गया, किसी के पास आयु नहीं है। ऐसे कलिकाल के मानवों के कल्याण के लिए बताया गया है कि अल्प समय में भी अपने आप में जो हमारे पास समय हो जाता है उसमें कलौ नास्ते व नास्ते व, हे संसार में रहने वाले लोग कलयुग में वही फल को प्राप्त करते हैं, इन फल को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग जुग जुगांतर कल कल्पांतर तक तपस्या करके प्राप्त करते थे। अतः कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, जो लाखों वर्ष तक तपस्या करके जिन तपस्या साधना द्वारा प्राप्त होता था, त्रेता युग में जग जग्यादि द्वारा प्राप्त होता था, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करके पूजा प्राप्त होता था, उन फल को कलयुग में हम अर्चावतार मूर्ति के पूजा करके प्राप्त कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे बंगाल में पूछा था, हबड़ा में बिचाली घाट अपने आप गंगा के तट पर है, अपने आप में हबड़ा में मैं गया था 2012 में, तो हमसे पूछा महाराज जी एक क्या अर्चावतार मूर्ति से कुछ मिलता उलता है क्या, हैं धर्म कर्म से कुछ होता है क्या। हमने कहा कि आपका क्या विचार है, कहा कि नहीं हमारे समझ से तो नहीं मिलता है। तो हमने कहा कि ठीक है आपकी बातों को मैंने सुन लिया और मान लिया, अगर मंदिर में जाने से पूजा करने से जग करने से तीर्थ करने से नहीं भी कुछ मिलता है लेकिन उसको कर लेने से हमारे दिल में दिमाग में मन में बुद्धि में चित्त में व्यवहार में आहार में व्यवहार में संगत में स्वभाव में और किसी प्रकार की अच्छाई अगर आ जाती है तो क्या कोई दोष है क्या। मत मानिए कि होता है ईश्वर के नहीं होता है। एक अपराधी को संयमित करने के लिए सरकार को करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है और फिर भी उस अपराधी पर संयम नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब बिना सरकार के और बिना शासन के अनुशासन के अगर अपने बातों द्वारा समझा करके किसी को अगर गलत मार्गों से अच्छे मार्गों में लगा दिया जाए क्या कोई कम है क्या, कोई कम है जो नहीं मानता है उसके लिए, लेकिन मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ एस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि, यही निष्कंटक पंथ है जिसमें श्री हरि को अपने आप में जाना जाता है। और वह श्री हरि मूर्ति द्वारा जैसे प्राप्त होते हैं, मंदिर द्वारा जैसे प्राप्त होते हैं, और द्वारा प्राप्त होना सबके लिए सुलभ नहीं है, सबके लिए सुलभ नहीं है। बड़े बड़े लोग अमलात्मा विमलात्मा जो है दिवी वचक छुरा दम तद विप्रासो विपनवयो जागृवांस समिंदते विष्णोर यत् परमं पदम पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिरातम मूर्तम हर भवती सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जीत्यै सर्वमेव तनातनोति। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग जिनका जुग जुगांतर तक ध्यान तपस्या करके जिनकी झांकी को प्राप्त करते हैं उन तत्वों को हम मंदिर और मूर्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। उस व्यक्ति ने पूछा कैसे मैं मानूं इस मंदिर को इस मूर्ति को किसी विद्वान द्वारा प्रतिष्ठा किया गया जजमान द्वारा प्रतिष्ठा कराया गया कारीगर द्वारा कहीं अपने आप में मूर्ति को बनाया गया कैसे मैं मानूं। मैंने निवेदन किया कि कंप्यूटर में किसी कर्मचारी द्वारा खाता खिसरा प्लॉट को सेटिंग किया गया किसी अधिकारी द्वारा उस पर दस्तखत कर दिया गया और आप उस कागज को लेकर आते हैं तो कहते हैं कि खाता है खिसरा है प्लॉट है। खाता खिसरा प्लॉट के कागज द्वारा जमीन द्वारा आप मूल जमीन के हकदारी हो सकते हैं तो क्या मूर्ति के द्वारा उन परमात्मा का अधिकारी हम नहीं हो सकते हैं। मैंने उनसे पूछा इस खाता खिसरा प्लॉट जो कागज का जो होता है ना खाता खिसरा प्लॉट कागज का होता है उसके द्वारा हम मूल जमीन का हकदारी हो जाते हैं तो क्या इस मूर्ति द्वारा अपने आप में किसी कारीगर द्वारा बनाया गया किसी विद्वान द्वारा प्रतिष्ठा किया गया किसी जजमान द्वारा कराया गया क्या उन परमात्मा को प्राप्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। जब वो होगा तो ये क्यों नहीं होगा। इसलिए तो कोई कहे महाराज कि अपने आप ठीक है कागज का जो खाता खिसरा प्लॉट है उसी पर ईटा लेकर सीमेंट लेकर मकान बनाइए बनेगा नहीं बनेगा। गेहूं का धान का अपने आप उस पर बिया डाल दीजिए खेती होगा हर का जुताई होगा भले खेती नहीं होगा
ईटा का मकान उस कागज के खाता खिसरा प्लॉट वाला जमीन पर नहीं बनेगा, लेकिन उसी प्लॉट खाता खिसरा कागज वाला द्वारा इस मूल जमीन के हम अधिकारी होते हैं। ठीक यही अपने आप जो मूर्ति है, इन मूर्ति के द्वारा ही उन परमात्मा को हम पहुंचने का अधिकारी होते हैं। कौन? यद गत्वा न निवर्तन्ते तो धामम परमम, जहां जाने के बाद पुनः संसार के लोग यहाँ लौटने के अधिकारी नहीं हो पाते हैं, उन परमात्मा के हम अधिकारी होते हैं। इसलिए आज ही नहीं, ये सतयुग से अपने आप में ये मूर्ति की परंपरा चली आ रही है। त्रेता युग का प्रमाण आपके पास है ना जी? त्रेता युग से तो प्रमाण है। आप रंगनाथ भगवान का नाम सुने होंगे, जो सूर्यवंशियों के, रघुवंशियों के, इक्ष्वाकु वंशियों के प्रधान आराध्य देव हैं। ये अपने आप रंगनाथ भगवान अपने आप बहुत अरसों वर्षों से उस सूर्य वंश में आराध्य होते चले आ रहे। भगवान श्री राम का जब समय आया, जब राजगद्दी को प्राप्त किए, लंकापुरी से विभीषण जी आए थे, सुग्रीव जी आए थे अपने आप के सिंधापुरी से, सब लोगों ने कहा प्रभु मैं हम आपकी राज तिलक को देखना चाहते हैं। भगवान अपने पुष्पक विमान से लोगों को ले आए अयोध्या में, और लाने के बाद सब लोगों ने भगवान श्री राम के राज तिलक में, राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए। सबको विदाई होने लगी, सबका विदाई करने लगे भगवान राम। उस समय विभीषण जी के मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कि अरे आयोजन समाप्त हो गया, आप अपना राजपाट की व्यवस्था करें, सूर्य जी अपना राजकार्य की व्यवस्था करें, आप जाइए, विभीषण जी नहीं जाऊंगा। प्रभु आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, आपके बिना लंकापुरी का कोई मतलब नहीं होता है, कोई परिचय नहीं होता है। भगवान का मेरे पर बहुत जिम्मेवारी है विभीषण जी, मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सारी प्रजा की अरमान इच्छाओं को अभी उनकी भावना से भावित होना है, अतः आप लौट जाइए। तब विभीषण जी ने कहा प्रभु आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप जाएंगे तो मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अरे आपको जाना हो तब क्या करेंगे? तब विभीषण जी ने कहा अपना प्रतिनिधि कोई अपने आप में हमको दीजिए। भगवान ने कहा मेरा प्रतिनिधि किसको समझते हैं? तब विभीषण जी ने कहा कि आपका प्रतिनिधि तो आपको भगवान को मैं समझता हूँ, जो आपके वंश परंपरा से जो हैं वही रंगनाथ भगवान ही हमको दे दीजिए। वही रंगनाथ भगवान को लेकर विभीषण जी जा रहे थे, और तमिलनाडु के कावेरी नदी के पावन तट पर यही विभीषण जी लेकर के पहुँचे, और पहुँचने के बाद वहाँ से रंगनाथ भगवान उठे ही नहीं। विभीषण जी रोने लगे कि दुविधा में दोनों गए, मिले न माया राम, इधर राम भी चले गए इधर रंगनाथ भी चले गए। आकाशवाणी हुई विभीषण जी मैंने कावेरी को पहले वरदान दिया था मैं तुम्हारे गोद में रहूंगा, लेकिन यही समय लंकापुरी को मैं देखते रहूंगा, इसलिए आप जाइए। वही विभीषण जी लंकापुरी में गए। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि त्रेता युग में तो मूर्ति का प्रमाण है, यही मैं बताना चाह रहा था। आधुनिक कुछ लोगों का कथन है अपने आप में है, नया नया धर्म चलाने वाला जो है अपने आप में, कोई कहता है फुचका खाएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, लिबर्टी का चप्पल पहनेंगे तो अरबपति बन जाएंगे, और समोसा खाएंगे तो हजारपति बन जाएंगे। कौन सा धर्म है जी ये? कौन सा धर्म है? किस प्रकार का धर्म है? चल रहा है अभी नया एक धर्म का बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है, ओम हटाओ सब कुछ खाओ शिव बाबा को गुरु बनाओ। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है आप जैसे महानुभाव कि ऐसे अपने आप बातों को सुन करके और अपने दिल दिमाग मन बुद्धि तक बैठाने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म शब्द का मतलब क्या होता है? घ्रियते पतने इति धर्म, जिनको सुनने के बाद, जिनको जानने के बाद, जिनको मानने के बाद, जिनको पकड़ने के बाद, जिनको स्वीकार करने के बाद हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, जो हमारी रक्षा करे उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम धर्म है। धर्म का ये मतलब नहीं होता है कि हम शराब पी रहे हैं, हम मांस खा रहे हैं, हम वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, और कोई कहता नहीं नहीं शिव बाबा को गुरु बनाइए, ओम कल हटा देंगे और एक रुपया को उद्राक्ष हाथ से बांध लेंगे, कोई हर्ज नहीं सब माफ है। कहाँ से लाइसेंस आपने लिया है? कहाँ से आपने परमिट लिया है? कैलाश ले कि शंकर बाबा से लिया आपने? कौन आपको दिया है? नहीं नहीं किसी का अधिकार नहीं बनता है, किसी भी वैदिक मर्यादा के धर्मों को तोड़ फोड़ करने का किसी का अधिकार नहीं बनता है, इसलिए ये धर्म ही नहीं हो सकता है। जिस धर्म के माध्यम से हमें गलत मार्गों में भटकने के लिए और कहीं अपने आप में कहीं आदेश प्राप्त होता हो वह धर्म नहीं हो सकता है, वह धर्माभास होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आप कोई विश्वविद्यालय खोल दे,
कि हम डकैती करने के लिए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, हम कुकर्म करने के लिए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, इसके लिए होता है? अरे जो नहीं खुला हुआ विश्वविद्यालय अगर क्या उसमें हमारा आपका प्रवेश हो जा रहा है, और जब खुल जाएगा मान्यता मिल जाएगा एको दुनिया बाकी कोई रहेगा। इसलिए धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि गलत तरीका में हम प्रवेश करें, ये धर्म का मतलब नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है कि जिसको धरने